अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आपने हिंट ही दिया है सिम्बा में गाने में दिख के या आप सूर्यवंशी में दिखने वाले हो? सूर्यवंशी का तो पता नहीं, बट जो हिंट हमने दी है वो ये है कि गोलमाल 5 हम बनाना चाहते हैं, और वो भी मतलब रोहित की आइडिया थी पहले, उस वो एक्शन कुछ और थी एंड रोहित से नहीं नहीं काम करते हम ऐसा कुछ करते हैं, देखते हैं लोगों को कितना पता चलता है. सो ऑब्वियसली पीपल आर स्मार्ट इनफ, तो जैसे 5 किया तो दे फिगर्ड आउट कि ये कुछ गोलमाल वाला चक्कर है. बट ही आई थिंक हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ स्टोरी एंड इफ ऑल गोज वेल देन मे बी नेक्स्ट ईयर वी विल शूट द फिल्म. वेरी नाइस. तो आप मुझे रोहित शेट्टी के बारे में एक बात बताओ, वो सीरियसली उनको गाड़ी उड़ाने का शौक है, सच है ये या ये सिर्फ हमें पता है लोगों के सुनने को मिलता है? नहीं नहीं, उसे बहुत अच्छा लगता है गाड़ियाँ उड़ाना. मतलब आई रिमेम्बर गोलमाल रिटर्न्स में उसने उड़ाई थी, फिर गाने में एक शॉट था जहाँ अर्शद और अमृता भाग के जाते हैं, वो गाने के टूवर्ड्स दी एंड है कि भाग के जाते हैं, उसमें भी उसने गाड़ियाँ उड़ाई थी. पर ऐसा उन्होंने कभी बताया है कि उनको ऐसे शौक कब से हुए हैं और क्यों ऐसे हैं? आई गेस ही जस्ट लव्स दैट यू नो. बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, उससे ज़्यादा डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग डायरेक्टर मैंने वाकई में नहीं देखा. कि जो बंदा यू नो ब्लॉकबस्टर पे ब्लॉकबस्टर दे रहा है, आई हैवंट सीन हिम बिकम कॉम्प्लेसेंट एट एनी पॉइंट इन टाइम. बहुत मेहनत करता है, डबल मेहनत करता है इनफैक्ट. कभी कभी तो हमारा पैकअप रात को 11 बजे के आसपास होता है, उसके बाद ही सिट्स विद हिज असिस्टेंट्स, ही रिहर्सेस द होल सीन, ही शूट्स द होल सीन. मतलब अपने मेकिंग के कैमरा पे पूरा शूट कर लेता है, ही एडिट्स इट यू नो, कि रफ एडिट करके दूसरे दिन सुबह एक्टर्स को दिखा देता है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, तो हम इसको अभी ऐसे शूट करेंगे. तो इतनी डेडिकेशन बहुत कम लोगों में मैंने देखी. एंड यू नो यूजुअली ऐसा होता है कि इतने सक्सेस के बाद आपको लगता है अब तो मुझे सारी चीज़ें आ गई, वैसा वो कभी नहीं करता.